ये एनडीए को 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया था, उसके आधार पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, उसी की कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। और नीतीश जी के नेतृत्व में 2024 भी जीतेंगे और 25वीं एनडीए की सरकार बनाएंगे। सम्राट बाबू, इसे थूक कर चाटना कहा जाता है, और ऐसे भी इसमें तो आपको महारत हासिल है। आप तो पहले ही घाट घाट का पानी पी चुके हैं, तो थूक कर चाटने में हर्ज ही क्या है। कभी एक जगह आप ठहरे ही कहां, राजद से सफर की शुरुआत कर आप जीतनराम मांझी की शरण में भी गए थे, फिलहाल बीजेपी में आकर आप ठहर गए हैं। क्या कहा था आपने, नीतीश को हटाऊंगा तभी पगड़ी उतारूंगा। पगड़ी की लाज तो आपने पहले ही मिटा दी, रही सही कसर भी आपने मिट्टी में मिला दी। जिस नीतीश को कल तक आप पागल बता रहे थे, राष्ट्रीय शर्म बोल रहे थे, छिछोरा और न जाने क्या क्या कह रहे थे, वही अब आपके तारनहार हो गए। इसलिए कहा गया है सम्राट बाबू कि उतना ही बोलो कि बाद में सर उठाने में शर्म नहीं आए। आपने तो अपनी शर्म भी बेच खाई है। नीतीश को आप पागल बता रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व में अब आप बिहार में विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। कुछ तो शर्म कर लिया होता आपने। आपसे तो अच्छा नीतीश बाबू है जो आपसे या राजद से गठबंधन तोड़ने के समय कम से कम शब्दों की मर्यादा को तार तार नहीं किया। आज जब नीतीश आपसे हाथ मिला ही लिए हैं तो उन्हें अपने किसी शब्द पर गलानी तो नहीं हो रही होगी। लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया। आप ही क्यों, आपके आका अमित शाह और मोदी ने भी तो नीतीश को न जाने क्या क्या बोला था। मोदी जी तो नीतीश की बच्चा पैदा करने वाली बातों को राष्ट्रीय स्तर पर उछाल रहे थे। अमित शाह तो नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रखे थे। लेकिन अब क्या हुआ, जो नीतीश आपके लिए घृणा के पात्र थे वही आपके लिए भगवान बन गए। आप लोगों के इस खेल में अगर सच में किसी का नुकसान हुआ है तो वह है चिराग पासवान। चिराग पासवान ने दिल से हमेशा आप लोगों का साथ दिया, लेकिन उसी चिराग की आप लोगों ने बोलती ही बंद करा दी। आप लोग जब सो रहे थे तो चिराग पासवान ही नीतीश के खिलाफ पूरे बिहार में फील्डिंग कर रहे थे। अब तो चिराग पासवान भी किस मुंह को लेकर जनता के बीच जाएंगे। जब मोकामा, गोपालगंज और कुरहनी विधानसभा उपचुनाव अब हार रहे थे तो चिराग ने आपकी लाज बचाई थी, लेकिन आप लोगों ने अपनी लाज को खुद ही बेपर्दा कर दिया और चिराग पासवान को बेशर्म बना दिया। आप लोगों ने साबित कर दिया कि राजनीति में अब विचारों और जनता की कोई कद्र नहीं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।